तो मिल रहे हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी खीर की रेसिपी शेयर करूंगी, पर ये चावल की खीर नहीं होगी। तो नमस्ते दोस्तों, वीएस किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए देखिए, हमने सबसे पहले पैन ले लिया और इसमें हमने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच देसी घी। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़े से डाल दिए ड्राई नट्स, जो भी आपको अच्छे लगे वो ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम, किशमिश, चिरौंजी और पिस्ता लिया है। तो इसे हम हल्का सा भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा ब्राउन ना कीजिएगा। तो बस हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, इतने ही फ्राई करने हैं हमने, हम इसे अलग प्लेट में निकाल देंगे। तो सेम मैंने वही पैन ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है। तो यहाँ पे लिया है मैंने 4 चम्मच रवा और इसे हम मीडियम फ्लेम पे घी के साथ भून लेंगे। हमने इसे इतना ही भूनना है जिससे कि इसका कच्चापन है जो वो निकल जाए। हमने इसे ब्राउन नहीं करना है, जैसे हम हलवे को बनाते टाइम रवा है जो सूजी है उसको ब्राउन कर लेते हैं, वैसा नहीं करना है। बस इसका कच्चापन निकलने तक हमने इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए, इतना ही भूनेंगे हम इसे, इसे हम अलग प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच पहले पानी, फिर इसमें मैंने डाल दिया है दूध। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध आप कच्चा भी ले सकते हैं या बॉईल किया हुआ भी ले सकते हैं। तो देखिए, दूध को उबाल आने से पहले, गर्म होने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो बहुत ही डिलीशियस ही हमारी खीर बन के रेडी होगी। तो इसे हम गैस की फ्लेम बंद करके ही ठंडे दूध में पहले अच्छे से मिला लेंगे। जब ये अच्छी तरह से सारी लम्स इसकी बिल्कुल अच्छे से घुल जाए दूध में, तब आप गैस की फ्लेम को ऑन कर ले। तो देखिए, इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है, दूध भी हमारा कितना टेक्सचर जो कितना देखिए गाढ़ा हो गया है, बहुत ही रबड़ी दार और मलाईदार हमारी खीर बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है केसर वाला दूध। तो इसमें मैंने 2 चम्मच दूध में थोड़ा सा केसर ऐड कर दिया था, वो मिला दिया है। तो यहाँ पे जो हमने रवा भून लिया था वो भी इस पर ऐड कर दिया है इस टाइम पे, वो ठंडा हो गया था। और इसे हम लगातार चलाते जाएंगे। तो केसर आप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही टेस्टी हमारी जो खीर है वो बन के रेडी होगी। तो इसी टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ड्राई नट्स भून लिए थे, थोड़े से हमने रख लिए हैं साइड में बाद में खीर को ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो इसे हम चला देंगे। तो यहीं पे आप रवे के साथ ही मीठा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप जो है चीनी ली है, क्योंकि इस सूजी वाली खीर में आप उसी टाइम पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप चावल वाली खीर बना रहे हैं तो आपको चावल पकने के बाद उसमें मीठा ऐड करना होता है। तो लीजिए, लगातार चलाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है इलायची पाउडर। इससे क्या है कि बहुत ही फ्लेवरफुल सी हमारी जो खीर है वो बन के रेडी होगी। आपका जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे, झटपट से आप ये खीर बना के रेडी कर सकते हैं, वो भी 15 मिनट में। तो लीजिए, हमें इसे ज़्यादा भी नहीं पकाना है, रवे वाली खीर है जो, क्योंकि रवा हमने पहले ही भून लिया था। तो इसे 7 से 8 मिनट में आप रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, इसे लगातार चलाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे, बस इसे रख के ऐसे ही ना छोड़ें। ठीक है, कितनी यम्मी और गाढ़ी हमारी टेस्टी खीर बन के रेडी होगी, और वो भी मिनटों में। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप झटपट से ऐसी सूजी की खीर बना के रेडी कर सकते हैं। और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, जब घर पे मेहमान आने हो तो फटाफट से कुछ मीठा बनाना हो तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो लीजिए, ऊपर से हम इसे कर देंगे गार्निश। आप इसे ठंडा या गर्म जैसे भी चाहें उस तरह से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज़ साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उसे देख पाएँ। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं कल फिर किसी और नई रेसिपी के साथ आपके सामने आ सकूं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो कल फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।